हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 11 नवंबर। 11 नवंबर से जितने भी करंट बेस के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और मैं क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ से 8 से 10, 10 से 12 तक के यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम पे, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, खुद से एनालिसिस कीजिए और यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। 37वें जो राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल कौन से टीम ने जीते हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या केरल ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो ये आपका जो 37वें जो नेशनल गेम्स है, इस बार कहाँ हो रही है जी? ये आपका गोवा में हो रही है, इसको याद रखिएगा। गोवा में इस बार 37वें क्रम का जो नेशनल गेम्स यहाँ पे चल रही है, हमारे भारत के जो इस खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, अलग अलग खेल इसमें भाग लेते हैं। तो इस 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक मेडल इस बार ये आपका महाराष्ट्र टीम ने जीती है, जिसको याद रखिए, आपके बड़ौदा को इन्होंने हरा कर ये जीत हासिल इन्होंने की है। इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके गोवा में चल रही है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। पिछले साल आपका एमपी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे का एशिया में कौन सा स्थान है, 48वां, 40वां, 50वां या आपका 47वां? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका 40वां क्रम है। याद रख, 40वां क्रम है। 100 टॉप जो यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग में, ये आपके 40वां क्रम, ये आपका IIT बॉम्बे को रखे गए हैं। इसमें जो दिल्ली है, IIT जो दिल्ली है, इसको भी शामिल किया गया, लेकिन 40वें क्रम में आपका इसमें भारत का रैंक इम्पोर्टेंट है। तो IIT जो है बॉम्बे आपका 40वां रैंक है। QS एशिया यूनिवर्सिटी मतलब ये आपका जो यूनिवर्सिटी, कौन से जो मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में है, एक तरह के यहाँ पे रैंक निकाली जाती है QS के द्वारा। तो इसी तरह जो आपका 40वां रैंक ही है आपका IIT बॉम्बे का, मतलब ये आपका जो रैंक में इसको दर्शाई गई है 40वां क्रम। मतलब ये आपको पढ़ाई के दृष्टि से देखेंगे, अपने बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपका पूरे विश्व भर में रैंक को निकाली, 100 टॉप जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 40वां रैंक है आपका भारत का IIT बॉम्बे को दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या हरियाणा ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। भागवत मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, यहाँ का भी नए CM हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है का, ये आपका ICC द्वारा, हर साल ICC के द्वारा ये आपका घरेलू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, मतलब ये हमारे भारत में इसको खेल को खिलाया जाता है। इस बार जो है पंजाब टीम ने पहली बार एक खिताब ट्रॉफी का जो पहली बार जो है ये खिताब इन्होंने जीता है, जिसको याद रखिए 228 यहाँ पे एक मिनट टोटल 228 मेडल इन्होंने यहाँ पे प्राप्त किया है, जिसको याद रखें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ICC के द्वारा ये क्रिकेट को खिलाया जाता है भारत में ही, और पहली बार जो टीम पंजाब टीम ने जीता है, 228 जो मेडल इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच कहाँ पे मारू मैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है, जापान, रूस, इंडोनेशिया या मलेशिया के बीच? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। कौन कौन से देश, ये आपका म्यांमार और आपका भारत के बीच, ये आपका अंडमान सागर में आपका म्यांमार और किस देश के बीच, भारत बोलता हूँ, ये आपका रूस और म्यांमार के बीच है, तो इसको याद रखिए। एक तरह का सैन्य अभ्यास है, जिसमें अपने अपने देश का जो है एक तरह का अभ्यास कराया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है एक तरफ से, ताकि उनके जो सेना मजबूत हो सके, कैसे लड़ाई करना है, और नए नए जो यहाँ पे इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि दुश्मनों को अच्छे तरह से लड़ सके। तो म्यांमार और रूस के बीच आपका मारू मैक्स जो अभ्यास आयोजन, जैसे भारत के बीच संप्रति कौन कौन से देश के बीच होता है, तो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो और आपका सिम्बेक्स जैसे सिंगापुर भारत के बीच युद्ध अभ्यास होता है, तो ये सभी को आपको याद होना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिया कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगालिया, आपके स्लोवाकिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल में जो पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है एंटोनिया कोस्टा, इनका नाम है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। पुर्तगाल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन है, इसको याद रखें, लिस्बन यहाँ की राजधानी है। पुर्तगाल ये आपका यूरोप के अंतर्गत ये देश बसा हुआ है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो एंटोनिया कोस्टा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए है। अब देखते हैं नए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने परिवार की प्रति माह 6,000 से भी कम कमाते हैं? 34 लाख, 85 लाख, 94 लाख या 78 लाख? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 लाख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाल ही में बिहार जाति सर्वेक्षण किया गया था जिसमें लगभग 13 करोड़ यहाँ की जनसंख्या इसमें बताई गई, जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू पाए जाते हैं, तो 13 करोड़ यहाँ की जनसंख्या बताई है जिसमें 94 लाख बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बताई गई है। तो बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या में लगभग 94 लाख जो प्रति माह यहाँ पे देख सकते हैं 6,000 से भी कम कमाते हैं, यहाँ की स्थिति ऐसी है। साथ ही साथ यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 94 लाख ऐसे परिवार है जहाँ पे प्रति माह 6,000 से भी कम यहाँ पे कमाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? इंडिया आटा, देसी आटा, वंदे भारत आटा या भारत आटा? इसको याद रखिए, इसको भारत। हाल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, एक आटा, गेहूं का आटा इन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे देखें गेहूं का आटा भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे भारत सरकार ने भारत आटा करके यहाँ पे निकाली गई है, इसको भारत आटा ब्रांड के नाम से इसको लॉन्च किया है। मात्र इसको 27 से 35 रुपये इसके प्राइस रखी गई है। और ये आपका कैसे, मतलब ये आपका लगभग इसमें आपका एक वैनिटी टाइप में कार में आएगी। और यहाँ पे जैसे आप बीपीएल कार्ड, जो भी राशन कार्ड धारी उनको जो ये आटा दिया जाएगा, अभी थोड़ा स्टार्टिंग में कम इसको लॉन्च किया गया है, इस थोड़ा बड़े बड़े धीरे धीरे आपके शहर तक पहुँचेगा। और आपको जो राशन कार्ड यहाँ पे, जैसे ये आपका कार है, कार में यहाँ पे पूरा स्टॉक पड़ा रहेगा, आप जैसे राशन कार्ड लेके जाएंगे तो आपको जो रेट में जो बताई गई है सरकार, उस रेट में आपको आटा उपलब्ध कराई, इसमें 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो ये आपका आटा मिल जाएगा आपको। तो गेहूँ आटा है 27 रुपये आप किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो सरकार ने यहाँ पर अहम कदम यहाँ पे गेहूं का आटा उठाई उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा प्रस्तुत की है, इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना किस वर्ष से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रही है? 2025, 2027, 2028 या 2029? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2027, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी इंडियन जो सेना है, भारतीय सेना 2027 तक इन लोग टारगेट कर रही हैं। चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर हैं, हमारे भारत के जाने माने हेलीकॉप्टर हैं, इस हेलीकॉप्टर को जो बेड़े को एक चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रही है। और लगभग अभी जो वर्तमान में देखें तो 250 से भी ज़्यादा हमारे भारतीय सेना को अभी हेलीकॉप्टर के यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन अब देखते हैं सरकार यहाँ पर ऑर्डर वगैरह दिए हैं तो हेलीकॉप्टर के जो बेड़े पर चरण, जो पुराने हेलीकॉप्टर हैं इसको अब इसको नए नए यहाँ पर हेलीकॉप्टर इसमें दिया जाएगा, वो भी आपका AI टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे पूरा इसको दिया जाएगा और सारी ज़रूरतें इसमें पूरी हो सके। इसी हिसाब से यहाँ पे लगभग नए हेलीकॉप्टर है भारतीय सेना को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 5 नवंबर, 4 नवंबर, 9 नवंबर या 8 नवंबर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर। 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया था। और उत्तराखंड इस बार जो 2023 में
अपना जो है 23वां क्रम का स्थापना दिवस मना रहा है। और यहाँ पे उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसको याद रखिए। तो हर साल 9 नवंबर को यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23वां स्थापना दिवस यहाँ पर इस बार उत्तराखंड मनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क या नीदरलैंड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका दो ह्यूमन राइट जो इंस्टीट्यूशन है, इसके जो गठन है 1946-47 में, इसका 46-47 में इसका गठन किया है। जो जितने भी हमारे मानव अधिकार पे एक्ट पे आपका काम करती है, उस पर ध्यान उद्देश्य यही है कि मानव अधिकारों पे आपका काम करती है। इस बार जो है 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे किस देश में आयोजित किया जाएगा? डेनमार्क में किया जाएगा। अभी जो हमारे जो राष्ट्रीय जो मानव जो अधिकार है जो है, इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष किसको बनाया, तो इसके जो अध्यक्ष जो है आपका प्रवीण कालरा अभी अध्यक्ष हैं। इसको याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। जो जितने भी हमारे मानव जो अधिकार है, इसी उद्देश्य पे इस सम्मेलन हर साल किया जाता है। हमारे अधिकार जो व्यापार पे संबंधित ये जो सम्मेलन है हर साल किया जाता है, डेनमार्क में यहाँ पे किया गया। बात करते हैं यहाँ पे डेनमार्क, डेनमार्क की अगर मैं राजधानी की बात करूँ, कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे जो डेनमार्क है, ये आपका यूरोप के अंतर्गत ये बसा हुआ देश है, इसको याद रखिए। यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी मेटे फ्रेडरिक्सन करके हैं, यहाँ के भी वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। 10 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और अच्छा, अपने फ्रेंड्स यहाँ पे कल्चर में यहाँ भी इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज लेते हैं, थैंक यू।